हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताना चाहूँगा जिस तरीके से आप बहुत जल्दी से फास्ट लर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से आप रिटेन कर सकते हैं और याद भी बहुत दिनों तक रहता है। पहले तो हम लोग देखेंगे जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं कुछ मेथड्स, जैसे कि हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं हाईलाइट करके कुछ भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, हम लोग क्या करते हैं पहले उसको हाईलाइट करके पढ़ते हैं। जो भी चीज़ हम लोग हाईलाइट करते हैं उसको हाईलाइट करने से एक इजी है कि हम लोग उसको बार बार उस हाईलाइट पोर्शन को पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ये एक मेथड्स हुआ। दूसरा एक मेथड है हम लोग जो अक्सर यूज़ करते हैं, जो टॉपर्स लोग भी सजेस्ट करते हैं, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर शॉर्ट नोट्स हम बनाएँ तो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने में बहुत इजी हो जाता है और रिवाइज़ करके हम लोग बहुत जल्दी उसको रिटेन कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे मैंने बनाया पार्लियामेंट का नोट्स है, जैसे कि स्पीकर है, और इधर मैंने बनाया जैसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यहाँ पर बनाया डेप्यूटी स्पीकर, ये लक्ष्मीकांत से बनाया हुआ नोट्स है मेरा, शॉर्ट नोट्स। ये कैसे मैंने बनाया आप अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि ऐसे देखिए हुई फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स में मैंने डायग्राम करके फ्लो चार्ट बना के मैंने शॉर्ट नोट बनाए। ये एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए मैं एग्ज़ाम से पहले बुक नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ शॉर्ट नोट 6-7 पेज में पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर आ गया मेरा। क्योंकि ऐसे अब पढ़ने जाएंगे लक्ष्मीकांत से, इसमें से 40 पेज है, लेकिन ये 6-7 पेज पढ़ के पूरा उस चैप्टर का रिवाइज हो सकता है। तो ये एक मेथड से, ये दो मेथड से हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग पढ़ाई के स्टडी में टॉपर्स लोग भी सजेस्ट करते हैं। ये दो मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी मैंने जो रियलाइज़ किया है और तीन मेथड से हम लोग और भी अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है जो है वो है रिकॉल करना। अगर हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर कोई चैप्टर यहाँ पर पढ़ लिया, जैसे कि अमेंडमेंट पढ़ लिया या सेंट्रल स्टेट रिलेशन हम लोग पढ़े, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ने के बाद अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए बुक को ऐसे बंद करके अगर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या क्या पढ़ा हो वो अगर थोड़ी देर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ी देर के लिए हम लोग अगर याद करें उस चीज़ को, तो वो एक तरीका होता है बहुत अच्छे से रिकॉल करने का। रिकॉल करने से आपका मेमोरी बहुत दिन तक रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको वो आ जाता है। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि रिकॉल करने का, जो भी चीज़ आप पढ़े, जो भी चीज़ हम लोग रीड करते हैं उसको अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग रिकॉल करते हैं तो रिकॉल करने की वजह से क्या होता है कि बहुत देर तक याद रहता है, और बाद में भी आप कहीं भी चलते फिरते उसको अगर रिकॉल करें तो बहुत दिन तक आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाता है। तो एक अच्छा तरीका है, आप कुछ भी चीज़ पढ़े उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके आप रिकॉल कीजिए जो जो चीज़ आपने पढ़ा है, अगर कुछ छूट गया फिर उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर से आप रिकॉल कीजिए। तो ये एक तरीका है, अगर आप रिकॉल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपका मेमोरी में वो सेट हो जाता है और बहुत दिन तक आपको याद रहता है। दूसरा जो तरीका है वो है आपका ब्लॉटिंग करना। मतलब अगर आप कुछ चीज़ पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप पार्लियामेंट पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट का अगर सपोज़ कोई भी पर्सन, जैसे कि आप यहाँ पर स्पीकर पढ़ लिए, ठीक है, स्पीकर का क्या रोल होता है, ठीक है, स्पीकर का क्या ड्यूटीज़ होता है, पावर्स क्या क्या होता है, अगर आप पूरा पढ़ लिए इसको, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एक A4 शीट पेज लेंगे या कुछ भी लेंगे, ऐसे करके आप स्पीकर लिख कर आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपको याद आ रहे हैं उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे जो भी चीज़ इस पेज को। तो ये होता है ब्लॉटिंग करना, मतलब वोमिटिंग आउट करना। मतलब आप कुछ भी चीज़ अगर पढ़ रहे उसको अगर आप ऐसे करके लिखते गए तो आपको बहुत दिन तक याद रहता है। तो ये आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, क्योंकि UPSC में हम लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस भी है, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, बहुत चीज़ें आपका जो भी छूट गया, जो भी याद नहीं रहा वो भी आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ भी चीज़ आप पढ़ लिए उसको अगर पहले रिकॉल कीजिए, उसको रिकॉल करने के बाद अगर आप ऐसे पेज में लिख लेते हैं कुछ भी जो भी याद है शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख लिए तो एक आपका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है। तो ऐसे करके आप करेंगे तो दूसरा जो तरीका है ब्लॉटिंग, अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत दिन तक
वो याद रहने वाला है। तो एक तरीका आप लोग यूज़ कर सकते जो अक्सर मैं अपना स्टडी में यूज़ करता हूँ। और तीसरा जो तरीका है वो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। एक चैप्टर है जो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पॉलिटी का, ये है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, पीट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद है आपका चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये जो एक्ट है ना, इसका फीचर्स याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इधर उधर थोड़ा माइनर चेंजेस होता है, लेकिन वो याद रखना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा भी ऐसा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, बहुत मुश्किल लगता है इसका याद करना हर एक इसमें के। इसका एक मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया है, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। तो मैंने क्या किया, इसका एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बना लिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन जो है हर एक लाइन का मैंने क्वेश्चन बना लिया। यहाँ पर लिखा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बंगाल गवर्नमेंट इन द रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक क्वेश्चन बन गया। अगर एक ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बुक में भी लिख लिया, आप कुछ A4 शीट पे या कुछ पेजेस में कुछ नोटबुक में आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, हु इज एक्ट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऐसा करके आप क्वेश्चन आंसर अगर बना लेते हैं, पूरा चैप्टर का मैंने बना लिया। जो भी चैप्टर मेरे को याद नहीं रहता है उसका मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे बना लेता हूँ। तो ऐसे बनाने से क्या होगा, आप जब रिवाइज करेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साइड में क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है। जैसे कि देखिए, व्हिच एक्ट सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए व्हिच एक्ट, एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ आपको मतलब इजी वे में आपका ये लर्न हो जाएगा, मतलब आप भूलेंगे नहीं। जो भी जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा। तो ऐसे करके आप प्रीलिम्स में अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, अच्छा आपको हर एक चीज़ याद रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है द एक्ट नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो ऐसा करके आप अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप करते हैं तो आपको बहुत दिन तक याद रह जाता है। इसीलिए मैं ये तीन मेथड फॉलो करता हूँ मेरे स्टडी के टाइम। दो मेथड तो ऐसे हाईलाइटिंग तो करता ही हूँ, हाईलाइट करना भी चाहिए क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। ये प्रीएम्बल का है, हाईलाइटिंग पोर्शन, कैसे क्या क्या याद रखना है, क्या क्या रिवाइज करना है, ये आप बुक में कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाता हूँ ऐसे हर एक चैप्टर का, मैंने पॉलिटी का भी नोट्स बनाया और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का भी बनाया। तो ऐसे करके आप अगर ये तीन मेथड फॉलो करते हैं, एक है रिकॉल, अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़े उसको अगर रिकॉल कर लेते हैं, अगर उसको उसी टाइम अगर बुक बंद करके अगर उस चैप्टर को याद करते हैं, वो एक आपका मेथड हो सकता है। उसके बाद जो भी चीज़ आपने पढ़ लिया उसके बाद उसको एक पेज में लेकर लिख सकते हैं जो भी चीज़ आपको याद आ रहा है। और तीसरा तरीका जो है, अगर कोई भी फिर भी याद नहीं हो रहा है, फिर भी आपको कन्फ्यूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आप नोटबुक में भी कर सकते हैं, ऐसे अगर बुक में अगर जगह है तो बुक में भी कर सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन आंसर अगर ऐसे अगर बना लिया आप, तो बहुत दिनों तक आपको फ़ायदा देने वाला है। तो कैसा लगा ये मेथड आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आगे का कुछ स्टडी टेक्निक टिप्स जो भी मुझे लगेगा मैं आगे का वीडियो में बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।